रीवा में 500 किलोमीटर चलकर ड्यूटी पर पहुंचे आरक्षक का पुलिस अधिकारियों ने जबरदस्त स्वागत किया और उसे मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के मुताबिक यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक मनीष पांडे छुट्टी में अपने गांव बनारस के रानीपुरा गए थे। उसी वक्त लॉकडाउन हो गया और वे वहीं फंस गए। उन्होंने रीवा में अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन अधिकारियों ने इतना लंबा सफर करने से उन्हें मना किया। इसके बावजूद यूपीएसएफ में पदस्थ आरक्षक मनीष के पिता ने उन्हें प्रेरणा दी और संकट की इस घड़ी में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा। पिता से प्रेरणा पाकर आरक्षक 20 अप्रैल को घर से ड्यूटी पर आने के लिए निकले। लंबा सफर पैदल तय करने के बाद अलग अलग ट्रक और ट्रैक्टर की मदद से वो सोमवार शाम रीवा पहुंचे। बायपास पर यातायात थाने के डीएसपी मनोज वर्मा, सूबेदार दिलीप तिवारी समेत स्टाफ ने आरक्षक का स्वागत किया। ढेका तिराहे पर भी आरक्षक का साथियों ने स्वागत कर उत्साह बढ़ाया। इसके बाद आरक्षक को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। दरअसल आरक्षक ने डीजीपी के आदेश पर स्थानीय थाने में ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन दूसरे प्रदेश का थाना होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। गोरखपुर से 40 किलोमीटर दूर थाना पड़ता है, रानीपाड़ी गांव में। कैसे पहुंचे आप रीवा? हमने भी 22 तारीख को हमने कुछ दूर पैदल चला, फिर वहां से हमें ट्रक मिल गया और बनारस तक लाकर छोड़ा। हमें 23 और 24 हमने आराम किया बनारस में। वहां से हमने फिर कुछ दूर पैदल चला, फिर कुछ दूर ट्रक से, कुछ दूर ट्रैक्टर से, इस तरह करते हुए हमने मनीगामा आया था। फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किया, डीएसपी साहब बोले कि तुम बाईपास तक आ जाओ, मैं अपने लेने आऊँगा। वहाँ से फिर डीएसपी साहब बाईपास पर आ गए थे, हमें लेकर आए।